एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर क्वर्की वीडियो। आज मैं करने वाली हूँ इन्फ्लुएंसर स्पेशल, व्हाट आई ईट इन अ डे। सो आई हैव बीन कीपिंग माय डाइट प्रीटी हेल्दी दीज डेज, एंड अपार्ट फ्रॉम द व्लॉग्स जब आप देखते हो कि मैं बाहर जा रही हूँ खा रही हूँ, मैं घर का ही मोस्टली खा रही हूँ। एंड आई जस्ट रियली वॉन्टेड टू स्विच थिंग्स अप अ लिटिल बिट। सो आज मैं थोड़ा इन्फ्लुएंसर स्टाइल, लाइक फैंसी चीज़ें जो मुझे पर्सनली पसंद है या फिर मैं काफ़ी टाइम से क्रेव कर रही थी वो खाना चाहती हूँ। दे आर नॉट पर्टिकुलरली समथिंग हैवी, बट क्योंकि अभी मेरे पास एक बहुत स्पेशल अपॉर्चुनिटी आई है डिनर के लिए, आई थॉट कि पूरी वीडियो ही स्पेशल बना दी जाए। सो आई एम स्टार्टिंग माय डे विद माय यूजुअल, जो आप मेरे करोड़ों व्लॉग्स में देख चुके हो, एक पूरा ग्लास नारियल पानी का विच आई लव, एंड साथ में कुछ भीगे हुए सोक्ड नट्स, क्योंकि अगर आप सूखे नट्स खाओगे वो आपके शरीर में गर्मी कर देंगे और अभी समर्स चल रहे हैं दिल्ली में। बाय द वे, आई लव दिस कोका कोला वाला ग्लास, हमें एक बॉटल के साथ मिला था एंड आई हैव बीन ड्रिंकिंग माय नारियल पानी इन दिस एवर सिंस। This was too yummy. आज का नारियल पानी बहुत मीठा निकला। मुझे अखरोट और किशमिश का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। सो आई एम इन द किचन एंड नाश्ते में है समथिंग वेरी स्पेशल, एंड मैं बनाने वाली हूँ आज वड़ा पाव। एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू अटेम्प्ट मेकिंग अ वड़ा पाव। सो एवर सिंस आई वेंट टू दैट इवेंट इन मुंबई, एंड उसमें मैंने सबसे पहले, लाइक व्हेन आई लैंडेड, मैं होटल से बाहर निकल के गई थी, आई वाज स्टार्विंग आई रिमेंबर, एंड हमारे जो कैब वाले भैया थे वो हमें एक परफेक्ट जगह लेके गए थे जहाँ हमें एकदम टिपिकल मुंबई का वड़ा पाव खाया था। दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन क्रेविंग। इतना ज़्यादा वो फ्राइड आलू होता है ना उसमें, तो मैं रोज़ तो नहीं खा सकती, लेकिन आज क्योंकि मैं वीडियो कर रही हूँ आई थिंक मैं सारे अरमान अपने निकालने वाली हूँ। सो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर लिए हैं, मैंने अपने आलू वगैरह जो है वो बॉयल करने रख दिए थे, एंड हेयर वी हैव मोर प्रिपरेशन। मैं बूरा टाइप की रेड चटनी होती है ना, उसके लिए मैं जो मूंगफली है उसको थोड़ा सा भून रही हूँ। यहाँ पे मैंने गार्लिक छील के रख लिए हैं। वी ऑल्सो हैव दीज पाव बंस जिनको हम बीच में से हल्का सा काटेंगे फॉर आवर वड़ा पाव, एंड अब जो गार्लिक छीले थे इसमें डालने हैं। गार्लिक का बहुत ही अच्छा रंग आ गया है, सो जो मूंगफली थी वो इसमें जाएगी। नाउ वी हैव दिस कोकोनट पाउडर, इसको इसमें डालना है। देन वी हैव सम देगी मिर्च। सो नाउ वी आर गोना प्रिपेयर द ग्रीन चटनी। हरी मिर्च, अदरक, टमाटर, दही एंड ढेर सारा धनिया। And this is what our hari chutney looks like. Smells incredible. Sexy inside and type of way inside. Oh, make a today just a little less mundane. Oh, I can stay inside and type of way inside. Oh, take today. तो यहाँ पे मैंने एक बेसन का घोल तैयार कर लिया है, एंड यू गाइस कैन सी इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। इसको 2 मिनट रखेंगे तो ये और हल्का सा टाइट होगा। सो दिस शुड बी द कंसिस्टेंसी वेन यू मिक्स वाटर, एंड पानी भी धीरे धीरे करके डालना है टू अवॉइड एनी लम्प्स। सो प्याज ने रंग छोड़ दिया, अभी मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ, कसूरी मेथी फॉर दैट टेस्ट एंड फ्रेग्रेंस। गैस स्लो करके जस्ट मिक्स इट ऑल टुगेदर। देगी मिर्च अगेन, एक चम्मच धनिया पाउडर, सम पेपर, काली मिर्च, आधा चम्मच छोटा वाला हल्दी। से जो मैश किए हुए आलू है इसको अब इसमें डाल देना है। सो आई एम टेकिंग अ नॉन स्टिक कढ़ाई एंड इसके अंदर हम तेल डालेंगे। सो मैंने वड़े पाव के लिए आलू सारे ऐसे गोल गोल कर लिए हैं। बाय द वे, इसमें प्याज है, हमारी जो रेड चटनी है उसमें हमने लहसुन वगैरह डाला था। मेरी मम्मी रेड चटनी नहीं लेगी, ग्रीन चटनी लेगी। एंड यहाँ मैंने मम्मी के लिए 2 आलू निकाल के रखे हैं जिसमें बिना प्याज के मैं मसाला बाद में बनाऊंगी। दिस इज़ फॉर द रेस्ट ऑफ द फैमिली। इसको धीरे धीरे ऐसे पलटते रहना है। सो इसको एक बार निकाल के 1 मिनट छोड़ के फिर से दोबारा डालना है ताकि ये जो क्रिस्पीनेस है वो बरकरार रहे और अंदर से सब कुछ अच्छे से कुक भी हो जाए। Oh,
has been one hell of a morning, one very hectic morning trying to achieve this Bombay ka vada pav. Let's just quickly do the taste test. Let's just try. Ek second. I need to click a photo. Wow. My God. Pasta is something that I make the best out of the lot. But I want to change my statement. This is amazing. Like, main bilkul pagal ho gayi hu khake. Itna acha taste aa raha hai. Even the aloo. This is actually like pretty close to the Bombay vada pav that I had. I know vada pav ke saath log chai peete hain. But I take a break for 30 minutes. And uske baad I'll have my coffee. I usually have impulse coffees ki pyar bhari rasbari wala jo variant hai. If you try this recipe, please tag me because this is amazing. This is the best thing I've made in my entire life and I can vouch for it. Like, this is so good. Good morning and here is your breakfast in bed. देखने में इतना अच्छा लग रहा है ये पाव भाजी या बड़े वो सबसे टेस्टी है ना मैं I was so shocked मैं इतना ज़्यादा shock हो गई because ये मैंने सोचा नहीं था ये इतना ज़्यादा टेस्टी निकलेगा बहुत टेस्टी है मैं कैसे खा रही हूँ बट मैं को यही जानना था कि बिना प्याज लहसुन वगैरह के आपको ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा कि अच्छा नहीं है या फीका है अच्छा इसको अगर हम आलू भुजिया डाल के दिखा सकते बहुत अच्छा लग रहा है हल्दीराम के आलू भुजिया वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना टेस्टी बनेगा तो भी आना मुझे भी नहीं मुझे नहीं लगता मैं भी इतना टेस्टी बहुत अच्छा प्लीज ऐसे नहीं नहीं मैंने सिर्फ ट्यूटोरियल देख के बनाया बट दिस इज लाइक आप मुझे बुक कर लो इससे पहले कि बहुत सारे लोग मुझे शेफ हेड शेफ बनाने के लिए आते रहे बजट बाइट्स आर यू लिसनिंग डू यू वांट वड़ा पाव शेफ I'm back. So it is the lunch time. ज़्यादातर जब दोपहर का time होता है ना I'm usually filming तो मेरा lunch time बहुत late हो जाता है But today is a pretty relaxing day in terms of like बहुत ज़्यादा काम नहीं है because I've started pre-filming again. Thank God for it. So मैंने एक बहुत ही अच्छी shots record की थी And I've already exported this shot right here. So it starts with my Almira. I took some really cool shots. तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे ऐसे shots आते हैं एक के बाद एक And then ये मेरे पैर से start होता है And then this beautiful bohemian outfit. I just really love this outfit. And for lunch, my mom is making sambar and dosa and idli. In the kitchen, preparing for our sambar. These are all the vegetables that we will be using. Meri family mein drumsticks bahut pasand hai. Uske bina sambar nahi banta hai. And this is arhar ki dal, jisko I think 10-15 minute pehle aise bhigona padta hai for preparing sambar. We also have this imli right here. तो यहाँ पे सब्जी कुक हो गई है दाल तैयार हो गई है इट्स टाइम टू मिक्स Let's see the idlis. Ooh. The way I like to eat my idlis, by the way, ये सारी मैं नहीं खाने वाली I'm gonna have two idlis. So मैं क्या करती हूँ अपनी ऐसे इडली लेके इसके अंदर ऐसे डुबो से लेती हूँ एंड देन आई ईट इट इन द बॉल ऐसे काट काट के सो दैट्स वॉट आई एम गोना डू आई एम हैविंग माई लंच इन द ड्रॉइंग रूम बिकॉज द ए सी राइट हेयर वर्क्स अमेजिंग तभी मैं आजकल ज़्यादातर आपको अपनी सिट एंड टॉक वीडियोज़ भी ड्राइंग रूम के बैकग्राउंड में फिल्म करती मिलती हूँ बिकॉज द एसी इज़ सो साइलेंट मेरे कैमरा का ऑडियो सब पिकअप कर लेता है इट्स द लिटिल थिंग्स दैट मैटर बट दिस इडली इज़ सो सॉफ्ट
आई डोंट थिंक मैंने इडली सांभर जब मैं 2019 पौंडेचेरी गई थी तब खाया था, बिकॉज वहाँ पे साउथ इंडियन खाना मिलता है. सो आई थिंक 2019 के बाद बीच में मैंने बिल्कुल भी इडली सांभर नहीं खाया. दिस इज़ लाइक आफ्टर 2-3 years एंड इट फील्स गुड हेल्दी बिकॉज उसमें इतने सारे वेजीज हैं. इट्स काइंड ऑफ लाइक पाव भाजी, अगर आप भाजी में बहुत ज़्यादा बटर ना डालो. भाजी भी काफ़ी हेल्दी होती है, उसमें भी घिया बैंगन वगैरह होता है एंड सांभर में भी आपका बहुत सारा घिया होता है, गाजर होता है. The window, reaching for a north star, waiting just to wake up from this nightmare where you could be right back in my... Okay, you guys, so it is 8:40 right now and I have to attend a dinner around 9:30 and मैंने आप लोगों को बताया था दैट डिनर इज़ गोन बी सुपर इंटरेस्टिंग एंड आई हैव बिन कीपिंग इट अ सीक्रेट बट आई हैव बिन इन्वाइटेड बाय हयात एंड दे वॉन्ट टू होस्ट अ डिनर फॉर मी. आई एम जस्ट रियली एक्साइटेड बिकॉज दिस इज़ एन इन्फ्लुएंसर स्पेशल. ये जो इन्वाइट आया था उससे पूरी वीडियो का आइडिया मैंने सोचा था बिकॉज दिस इज समथिंग दैट डजेंट रियली हैपन एकदम से ऐसे नॉर्मली. बट क्योंकि कॉन्टेंट क्रिएटर्स के पास एक प्लेटफॉर्म होता है एंड ब्रांड्स एंड जो भी ये होटल्स होते हैं ट्रैवल इंडस्ट्री के लोग होते हैं वो ज़्यादातर आपको होस्ट करते हैं या फिर आपसे अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहो तो आपको प्लेन के टिकट्स भिजवा देंगे या फिर जितने दिन आप स्टे करोगे उतने आपसे पैसे नहीं लेंगे. बेसिकली दे विल होस्ट यू. एक तरह की फ्रीडम वाली कोलैबोरेशन हो जाती है बिकॉज दे डिडंट आस्क मी कि मैं व्लॉग करूं या मैं कोई स्टोरी डालूं. बट आई हैव माय आउटफिट राइट हियर सो आई एम वेयरिंग दिस पैंट. मैं वेस्ट साइड से लाई थी एंड ये नीचे से ना थोड़ी फ्लेयर्ड एंड बीच में ऐसे स्लिट वाली सी पैंट है एंड देन आई एम वेयरिंग दिस काउ प्रिंट शर्ट फ्रॉम ज़ारा जो आपने मेरे पिछले किसी हॉल नहीं प्रोडक्ट्स आई रिग्रेट बाइंग वीडियो में देखी थी. So, आप लोगों ने बहुत पसंद की थी एंड आई थॉट अ सैटिन शर्ट लाइक दिस वुड गो रियली वेल विद दिस. विद दैट आई एम गोना वेयर दीज हील्स फ्रॉम ज़ारा अगेन. So we have reached here in Hayat, my date for tonight. Hello. My date for tonight, Mr. Budget Bites. Fine. So we met the chef and the person who looks after the restaurant. So we just had a chat and I think they're rolling out some dishes जो वो हमको खिलाना चाहते हैं because he gave us the choice कि आप बुफे से खाना चाहोगे या फिर like from our new menu. So we were like आप जो हमें खिलाना चाहते हो special dishes. Ishan spoke so passionately. He was like what would you like us to have and what would you allow others to have. ऐसे तो, Shakespeare बन के बोल राजस्थानी दही वड़ा, राज कचौरी एंड आलू टिक्की. मैं इस आलू टिक्की पे कूद पड़ने वाली हूँ एंड आई थिंक तू सबसे पहले राज कचौरी. आई नो हिम टू वेल. So currently we are sitting with the head chef. The food was really good. I just want him to introduce himself. Hi, my name is Subhash and I take care of the Hyatt in Janakpuri in terms of food and beverage.
Okay, so what our menu, what this place is all about? It's the main restaurant where I'm seated currently. It's called KD, Kitchen District, where we have got the culmination of food all across the country. Like, from example, we have got the Punjabi Veg Delhi Butter Chicken from the Mutta Dosa from Bangalore, Bihari Chana Ghugni from there, to then Bengali Fish Paturi, and then we have got Palkova from, you know, southern part from Kerala. So we have got a good culmination of the entire Indian foods. What, you know, I think that's like West Delhi was looking for. Yeah. For so many years. Finally, we have a good place to eat.